आकांक्षा, सर ओके देन। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? सैंपलिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि रिसर्च में यूज होता है, जहां पे हम सैंपल्स क्रिएट करते हैं। मतलब हम लोग रॉ डेटा को सैंपल्स में डिवाइड करते हैं और सैंपल क्रिएट करते हैं कि ये इस जगह का सैंपल है, वो उस जगह का सैंपल है, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम लोग टेस्टिंग वगैरह उसके ऊपर की जाती है, हाइपोथेसिस वगैरह किया जाता है। बट उससे भी पहले जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं, तो सैंपलिंग करने के ना दो तरीके हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी हो गया और एक नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया, और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि दोनों में आखिर अंतर क्या है, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सैंपलिंग मैथड्स, और कौन कौन से ऐसे सैंपलिंग मैथड्स हैं जो कि कवर्ड होते हैं, मतलब उन मैथड्स के थ्रू किया जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो पहले दोनों का डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसी के जरिए हम लोग को जो है उसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। डिफरेंस में अगर हम लोग देखें तो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ था मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लाइज इन द वे द सैंपल इज सेलेक्टेड एंड द एबिलिटी टू जनरलाइज द फाइंडिंग्स टू द लार्जर पॉपुलेशन। अब सैंपल जो है कई बार क्या होता है कि छोटा होता है और कई बार काफी बड़ा होता है, लेकिन कभी भी छोटे सैंपल से या जितना भी बड़ा सैंपल क्यों ना हो, कभी हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि उससे बड़ा अगर सैंपल लेते तो उसका क्या रिजल्ट निकलता। हम लोग जस्ट एक एक्सपेक्टेड व्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि सैंपल के थ्रू क्या हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों को जो है टीवी वगैरह में काफी दिखेगा कि 2024 में पीएम कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर राहुल गांधी बनेंगे, ऐसा कुछ जो है वो लोग टीवी पे काफी चलाएंगे, है ना? तो वो लोग जो टीवी पे चलाते हैं और या कई बार जाकर के ये बोलते हैं कि चलो ये बंदा जो है पीएम बनेगा, वो बंदा पीएम बनेगा, तो वो किस बेसिस पे बोलते हैं? या सीएम का भी कोई सीट अगर कॉन्टेस्ट होता है तो वो लोग देखना टीवी में बहुत चलाते हैं कि ये इनका सीएम बनने का चांसेस ज्यादा है, उनका सीएम बनने का चांसेस ज्यादा है, ये किस बेसिस पे करते हैं? दैट इज यस ये लोग प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से सैंपल लेते हैं अलग अलग जगहों का। जैसे पूरे इंडिया का अगर पीएम, अगर पीएम की बात हो रही है तो पूरे इंडिया का सैंपल लेना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक जगह लेने से नहीं होगा। तो कुछ लोग चले गए यूपी, कुछ लोग चले गए बिहार, कुछ लोग चले गए महाराष्ट्र, कुछ लोग बंगाल आ गए, और ये पूरा का पूरा जो न्यूज चैनल है वो हर एक जगह के लोगों के साथ वहां के 300, 400, 500, 1000, 2000 लोगों का जो है राय उनसे पूछता है, और उसके बेसिस पे जो है वो लोग करता है ना, एक रिजल्ट निकाल के लाता है। ठीक है, तो उस तरीके से जो है चीजें यहाँ पे की जाती हैं। सैंपल मतलब मैं सैंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से होगा। ठीक है, हियर इज एन आउटलाइन ऑफ द मेन डिफरेंस एंड द सैंपलिंग मेथड्स कवर्ड अंडर ईच कैटेगरी। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का मतलब है, या फिर जनरली भी प्रोबेबिलिटी का मतलब है, संभावना हाँ ऐसा चीज जो हो सकता है, होने की संभावना है। ठीक है, तो संभावना वो सो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग टेक्निक वेयर ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ नोन एंड अ नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द सैंपल, है ना? मतलब हर एक नंबर जो है वो जाना हुआ है, और दूसरा हर एक नंबर के चूज करने का चांसेस ज्यादा है ना, सबको सेलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी मिस कर दिया जाएगा। जैसे 10 बॉले हैं, 10 गेंद है, तो 10 गेंद में सभी का इक्वल चांस है कि 10ों में से किसी को भी चूज किया जा सकता है। ठीक है ना, नॉन जीरो राइट चांस राइट मतलब जीरो चांस तो मतलब एकदम चांस नहीं है, नॉन जीरो चांस मतलब उसका कम से कम एक चांस तो है। सपोज 10 गेंद है, मुझे 10 बार में 10 गेंदें उठानी है, तो कई बार ऐसा होगा कि मैं एक ही गेंद को 2 बार उठा लूंगा, किसी गेंद को 3 बार उठा लूंगा, है ना, या किसी किसी गेंद को एक बार भी उठाया, है ना। लेकिन प्रोबेबिलिटी सभी का है, ये संभावना सभी का है कि मैं किसी भी गेंद को उठा सकता हूँ, भले ही मैं किसी गेंद को 2 या 3 बार या 4 बार भी उठा लूं। ठीक है ना, लेकिन संभावना सभी की है, वही बात यहाँ पे बोली गई है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल इंफरेंस एंड अलाउस फॉर जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स फ्रॉम द सैंपल टू द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का जो रूल है उसका यूज करके ये लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं चीजों को। ठीक है, 10 लोगों का सैंपल निकाला और 10 लोगों के व्यू के हिसाब से आपने कुछ जो है एक फाइंडिंग आपने बताया कि ये जो चीज है वो हो सकती है। अब उस बात को प्रूफ करने के लिए जो है काफी हद तक उसके ऊपर फिर रिसर्च वगैरह किया जाता है, हालांकि वो दूसरी चीज हो गई, है ना। तो वो बात है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन को जो है यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की जाती है बाय जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स। द मेन मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यहाँ पे देखो 3, 4, 5 तरह के मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं।
सबसे पहला है सिंपल रैंडम, है ना। तो ये तो काफी सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में बताया डेफिनेशन में कि सभी का चांसेस रहता है, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, वो इक्वल आपको चांस। सिंपल में चला जाएगा। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, सभी के सिलेक्टेड होने यस का चांस जो है इक्वल है। दिस इज ऑफन डन यूजिंग रैंडम नंबर जनरेशन और ड्रॉइंग लॉट्स। इस लाइन को बस लिख देना। तो इसी तरीके से जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसका मेन डेफिनेशन जो है वही है, कुछ अलग नहीं है। सिस्टमैटिक इज डिफरेंट। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि आप सिस्टमैटिकली चूज करते हो कि ठीक है इसमें ये क्वालिटीज है इसको चूज करेंगे, उसमें वो क्वालिटीज है उसको चूज करेंगे, और फिर उसके बीच में जो है कॉम्पिटिशन होगा इस तरीके से। सो मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल्स में हो रहा है ना। जैसे कि सपोज दो लोगों के बाद का तीसरा बंदे को मुझे चूज करना है, फिर दो लोगों के बाद फिर उसके बाद वाले बंदे को मैंने चूज किया, फिर उस दो लोगों के बाद फिर उसके बाद वाले बंदे को मैंने चूज किया, ये क्या सिस्टमैटिकली चल रहा है ना। एग्जाम्पल में देखो लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल एवरी 10th पर्सन ऑन अ लिस्ट, कोई लिस्ट है 100 लोगों का लिस्ट है, उसमें से हर 10वां नंबर पे जो व्यक्ति है जो बंदा है आप उसको चूज कर रहे हो फॉर समथिंग जो भी, ठीक है। तो सिस्टमैटिक मतलब यहाँ पे सिस्टमैटिकली चल रहा है। अब वो नंबर्स के हिसाब से हो सकता है, या कोई सपोज क्वालिटी के हिसाब से, सपोज बोल दिया कि आपको हर एक एमकॉम के बंदे को चूज करना है, मतलब कोई पोस्ट है जहां पे बीकॉम और एमकॉम दोनों अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ एमकॉम को चूज करना है, तो आप सिस्टमैटिकली करने की कोशिश कर रहे हो, पहले एमकॉम को बुला रहे हो फिर बीकॉम को बुला रहे हो, है ना। इस तरीके से दैट इज सिस्टमैटिक यस सैंपलिंग। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स, जो पॉपुलेशन है उसको दो भाग में बांट दिया गया, दो ग्रुप्स में बांट दिया गया, और स्ट्रेटा स्ट्रेटा ग्रुप ही कहलाएगा। एंड रैंडम सैंपलिंग इज कंडक्टेड विद इन ईच स्ट्रेटम, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप को स्ट्रैटम बोला जा रहा है, सिंपल सी बात है, दोनों का मीनिंग सेम ही है तकरीबन, ठीक है ना। ग्रुप को स्ट्रैटम बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम लोग कर रहे थे वही चीज यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही दो ग्रुप बांट दिए हैं, 10 लोगों का ग्रुप है, पांच पांच का दो ग्रुप बना दिए। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम कर रहे हैं पांच पांच में, पहले 10 में कर रहे थे एक साथ, अब पांच पांच में कर रहे हैं, ठीक है। वही बात है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा, द रैंडम सैंपलिंग इज कंडक्टेड विद इन ईच स्ट्रेटम, दिस इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच सब ग्रुप, है ना। कई बार होता है ना कि कोई एक मेन ग्रुप होता है उसके अंदर दो सब ग्रुप होता है, अब आपको दोनों तरफ से चुनना है, जब आपको दोनों तरफ से चुनना है ये डिमांड आ रहा है तो आपको ग्रुप में तो बांटना पड़ेगा। ग्रुप में बांटने के बाद आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था सेम उसी तरीकों को अपनाया गया, लेकिन दो ग्रुप्स बना करके, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। सिंपल का सिंपल डेफिनेशन वाला, सिस्टमैटिक मतलब पर्टिकुलर हम किसी चीज के बेसिस पे चूज कर रहे हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो नंबर हो कुछ भी हो। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग ही करेंगे, बट बाय डिवाइडिंग द मेन पॉपुलेशन इंटू टू सब सब पॉपुलेशन, या फिर सब ग्रुप या सब सेट जो भी आप बोल लो उसको, ठीक है वो हो गया। चौथा है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है ना कि हम लोग एक बड़े एरिया को एक्चुअली लेने की कोशिश करते हैं, जैसे सीआरसी बोल करके एक होता है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर आप बोल सकते हो। वहां पे क्या होता है कि सपोज मैं स्कूलों की बात करूं तो 7 स्कूलों का सपोज एक क्लस्टर हो गया, फिर किसी और एरिया में 5 स्कूल का एक क्लस्टर हो गया। क्लस्टर इज लाइक ग्रुपिंग, है ना, दो तीन लोगों को एक साथ मिला दिया गया, दैट इज क्लस्टर, है ना। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू क्लस्टर्स, पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इजी ज्योग्राफिक, अब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी सारे स्टेट्स हैं आप उसको ऐसे क्लस्टर समझ सकते हो कि ये लोग बंगाली बोल रहे हैं तो ये लोग वेस्ट बंगाल के हो गए, जो लोग तमिल में बंगाल बात कर रहे हैं वो यस लोग आंध्र प्रदेश के हो गए, ठीक है ना। तो आपने क्लस्टर बांट दिया है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक एरियाज, एंड अ रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर इज सेलेक्टेड, और रैंडमली आप किसी भी क्लस्टर को सेलेक्ट कर रहे हो। आपने बंगाल को चूज किया, महाराष्ट्र को चूज किया, छत्तीसगढ़ को चूज किया, पंजाब को चूज किया, ये सारे क्लस्टर्स हैं, आपने एक एक क्लस्टर को रैंडमली चूज कर लिया। रैंडमली मतलब किसी सभी के चूज होने का चांसेस ज्यादा है, सभी सभी को चूज किया जा सकता है, पर आपने रैंडमली किसी चीज को चुन लिया है। देन ऑल मेंबर्स विद इन द सिलेक्टेड क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन द सैंपल, तो फिर उस केस में जितने भी सारे मेंबर्स उस क्लस्टर में थे सभी को जो है एज ए सैंपल सैंपल के अंदर आपने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। क्लस्टर का मतलब ये हो गया। पांचवा है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि मल्टी स्टेज है, क्लस्टर सब क्लस्टर यहाँ पे बोला गया है। द मेथड कंबाइन मल्टीपल सैंपलिंग टेक्निक्स, है ना। सैंपलिंग टेक्निक्स जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आप यूज कर सकते हैं, जब एक से ज्यादा सैंपलिंग टेक्निक हम लोग यूज करेंगे तो उसको मल्टी स्टेज हम लोग कह सकते हैं।
हालांकि इसके यहाँ पे मल्टी मल्टी यू नो मल्टी टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग ऐसे कुछ कहना चाहिए था, बट इट्स ओके। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग क्लस्टर्स, सब क्लस्टर्स एंड फाइनली इंडिविजुअली एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। पहले हम लोगों ने क्लस्टर चूज किया, फिर वहां से सब क्लस्टर बनाया, फिर वहां पे जाकर के हम लोगों ने जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, मतलब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग आप बोल सकते हो, जो एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपना सैंपल चूज किया पॉपुलेशन का, ठीक है, और उसके ऊपर फिर जो है रिसर्च वगैरह हुआ। तो ये तरीका था जिसके जरिए हम लोग चूज करते थे अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। इसके अंदर में ये चार तरीके थे जिसके जरिए हम लोग चूज करते थे। उसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक, उसका उल्टा होगा प्रोबेबिलिटी का, सबके चूज होने का चांसेस ज्यादा था, सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज नॉट बेस्ड ऑन अ रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक उसका उल्टा। रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हो रही थी, नॉन रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होगी, जहां पे आप चीजों को रैंडमली सिलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि आप सिलेक्ट करोगे कि मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए। रैंडमली आप नहीं करोगे कि कोई भी जो भी हाथ में आ गया मैंने वो रख लिया, वैसे नहीं होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन होगा। द सिलेक्शन इज सब्जेक्टिव, बोल ही दिया है, सब्जेक्टिव होगा। एंड ईच मेंबर ऑफ द सब्जेक्टिव पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। और जो यहाँ पे आप चूज करोगे मेंबर्स को, वो हो सकता है कि वो फाइनल सैंपल में उनका नाम ना भी हो, है ना। डज नॉट हैव अ नोन प्रोबेबिलिटी, उनका प्रोबेबिलिटी मतलब उनके नहीं चुने जाने का चांसेस, मतलब चुने जाने का चांसेस है या नहीं है ये आपको पता ही नहीं है, चुना जा भी सकता है और नहीं भी चुना जा सकता है। तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल सैंपल हो जाएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, ठीक है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च रिसर्च करने के लिए या फिर एक्सप्लोरेटरी स्टडीज करने के लिए, जब चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, है ना, उस केस में। और व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस द एंटायर पॉपुलेशन, और जब ये मुश्किल हो जाता है कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को यू नो एक्सेस करना, उस केस में जो है हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी जो है उसका हम लोग यूज करेंगे। एक मिनट जरा सा। ओके गाइस, सो हाँ, तो जो जो मेन मेथड्स हैं उसके उसको हम लोग एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहला है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग नाम से पता चल रहा है, कन्वीनियंस मतलब जो आराम से हो जाए उसको हम लोग कन्वीनियंस आराम कहते से हैं। हो जाए। हाँ, यस यस रिसर्च सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स हु आर इजिली एक्सेसिबल, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को हम लोग यस चूज करते हैं जो कि इजिली एक्सेसिबल है और रेडिली अवेलेबल है। वो बोलते हैं ना, आर यू रेडी, एवर रेडी, एवर रेडी, जो हमेशा रेडी रहता यस है। तो रेडिली जो लोग अवेलेबल होंगे, जो इजिली एक्सेसिबल होंगे, उन्हीं को जो है चूज कर लिया जाएगा। द मैथड इज कन्वीनियंट बट मे इंट्रोड्यूस बायस। ये जो मेथड है ये कन्वीनियंट है, काफी आसान है करना, क्योंकि आपको, अब सपोज आपको पूरे इंडिया का मूड भांपना है कि अगला पीएम कौन बनेगा, पर आप पूरे इंडिया का मूड भांपने के बजाय आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो कि रेडी हैं अपना ओपिनियन देने के लिए, और आप उस केस में पूरा इंडिया घूम भी नहीं रहे, आपने आप अपना आसानी देख रहे हैं, आप प्रॉपर रिजल्ट निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपना कन्वीनियंट देख रहे हैं। तो जहां पे आप अपना कन्वीनियंट देखेंगे वो आपका कन्वीनियंट सैंपलिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है परपोज, जब हम कोई पर्पस के तहत सैंपलिंग करते हैं, जब हमारा कोई क्राइटेरिया हो जाता है कि चलो हमको यही निकालना है यही पता करना है, तो वो हमारा परपोजिव सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिसिपेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको चूज किया जाएगा, और क्राइटेरिया रिलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन, जो भी रिसर्च क्वेश्चन है उसके क्राइटेरिया के अंतर्गत जो भी, अब जैसे कि सपोज आपका रिसर्च है वो इस बात पे है कि जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनका हालत पिछले 5 साल में कैसा था और अभी कैसा है, ये आपको पता करना है। तो वर्किंग क्लास तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, लेकिन आपने एक कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया कि जो फिशरमैन है सिर्फ उन्हीं के ऊपर रिसर्च हो रहा है ना, तो वो जो आपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगा दिया वो आपका परपोजिव सैंपलिंग में आ जाएगा, ठीक है। या ऐसा पता करना है कि एमकॉम के कितने सारे बच्चे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, या बीकॉम के कितने बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप एक क्राइटेरिया लगा दे रहे हो, है ना, कई बार एज का भी क्राइटेरिया लगा दिया जाता है ना, कि जिसका एज 35 ईयर्स है उनका सिलेक्शन नहीं होगा वगैरह वगैरह जो भी। सो परपोजिव सैंपलिंग में वही बात है कि कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर कोई एक कंडीशन लगा दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको जो है सैंपलिंग करना होगा, चूज करना होगा पॉपुलेशन से। रिसर्चर्स हैंड पिक राइट इंडिविजुअल्स हु कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट। अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं वो हैंड पिक करते हैं, खुद से चूज करते हैं, जो पसंद आता है उसको चूज कर लेते हैं,
और उन्हीं लोगों को चूज किया जाता है जिनके पास से वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकता है, मतलब अंदर की बात जो है जहां से ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल पाएगी आपको, आप वहां पे चूज कर लेते हो, ठीक है ना। स्नोबॉल सैंपलिंग, इनिशियली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज सेलेक्टेड, स्टार्टिंग में आपने एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किया, एंड देन दे हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंसेस। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बट ये काफी चलन में है, ऐसा नहीं कि ये चलन में नहीं है, पर जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो चीजों को, जहाँ पे एरिया बहुत ही वास्ट है, वहां पे आपके लिए पर्टिकुलरली आप जाकर के चीजों को कर नहीं पाओगे। आप उस जगह पे क्या कर रहे हो, आप एक ग्रुप बना दे रहे हो, आप उस ग्रुप में हर एक तरह के इंडिविजुअल लोग, अब जैसे कि सपोज मैंने बीकॉम और एमकॉम का दो ग्रुप बना दिया और मैंने आप लोगों को बोला कि चलो आप बीकॉम के बच्चों को अपने पास जोड़ो, आप एमकॉम के बच्चों को अपने पास जोड़ो, मतलब बीकॉम आपका क्राइटेरिया हो गया, एमकॉम आपका क्राइटेरिया हो गया जिसके बेसिस पे मैंने ग्रुप बनाया था, और उसी के बेसिस पे उसी तरह के लोगों को जो बीकॉम या फिर एमकॉम कर रहे हैं आप उसको चूज कर रहे हैं, उसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। आपने एक स्मॉल ग्रुप बना दिया पार्टिसिपेंट्स का, अब वो पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपको आइडेंटिफाई करने में उन लोगों को जो जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, जैसे जो लोग बीकॉम के हैं या जो लोग एमकॉम के हैं, उस तरीके से, ठीक है। रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अगला है क्वोटा सैंपलिंग, है ना। रिसर्चर्स सेट प्री डिटरमाइंड क्वोटा कोटाज या कोटा ही भी बोल सकते हैं, कोटा टू इंश्योर द सैंपल रिप्रेजेंटेशन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। नाम से पता चल रहा है कि आपने कोटा लगा दिया कि 100 लोगों से ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे, 100 लोगों से ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है ना। कोटा सिस्टम बोलते हैं ना कि कितने का कोटा है ना, वो चीज हो गई। तो कोटा में एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है कि उतना ही लोगों को आपको लेना है, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। सो रिसर्चर सेट प्री डिटरमाइंड कोटाज, पहले से वो लोग कोटा डिटरमाइन कर लेते हैं ताकि जो सैंपल है वो एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक वाला हो, ज्यादा बड़ा ना हो ज्यादा छोटा ना हो, जो भी आपका डिमांड है मतलब जैसा भी आप बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने एक कोटा सेलेक्ट कर दिया कि मेरा मेरा तो भाई इतने में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो है। हाउएवर द सिलेक्शन विद इन द कोटाज मे नॉट बी रैंडम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो सिलेक्शन है कोटा के अंदर वो रैंडम ना हो, ठीक है। जैसे कोटा होता है ना, सैंपलिंग है, एस टी ओबीसी, दैट इज ऑल्सो काउंट एज अ कोटा ना। SC ST OBC, पूरा बताइए। मतलब ये एस टी जो आता है ना, एससी हाँ वगैरह हाँ ओबीसी, तो उसको एज अ कोटा ले सकते हैं ना। ये हाँ कोटे बिल्कुल में इतना बिल्कुल वैकेंसी, ये कोटे में इतना वैकेंसी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। हाँ है हाँ ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वही बात है। कोटा का मतलब ही वही है कि मैंने एक फिक्स कर दिया इतना ही लेना है, यहाँ से इतना लेना है। जैसे रिजर्वेशन कोटा, जो आप रिजर्वेशन कोटा की बात कर रहे हैं, तो टोटल 100% में 50% जनरल कैटेगरी होता है, एक्चुअली 60% होता है, बट 50% अभी है और 10% EWS के नाम से हो गया है। उसके बाद 27.5% जो है आपका OBC, फिर SC और ST, SC का आएगा 17.5 और ST का 7.5, ऐसे कुछ करके है। टोटल 100% का जो है कोटा है, तो बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, वैसे ही करके है, ठीक है, वही बात है। पांचवा नंबर है जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है। रिसर्चर रिलाई ऑन देयर जजमेंट एंड एक्सपर्टीज टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स हु दे बिलीव आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी। अब यहाँ पे आप सिलेक्शन करने के पहले लोगों को अच्छे तरीके से चेक कर रहे हो, आप जांच रहे हो कि कौन सही है कौन नहीं है, उसके बाद आप जाकर के जो है सेलेक्ट कर रहे हो। तो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, जजमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, अपने जजमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, अपने एक्सपर्टीज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो है सही पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट कर सकें जो कि उनके स्टडी के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट सैंपलिंग मतलब जजमेंट के बेसिस पे आप चूज कर रहे हो, अपने जजमेंट के बेसिस पे आप चूज लेके कर रहे हो। हाँ किशन, तो एक डिसीजन लेके उसके बाद हम चूज कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ना सर, हाँ आप जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जज कर रहे वेरियस ग्राउंड्स, कोई भी ग्राउंड हो सकता है, उसके बेसिस पे आपने किसी को जज करा, जज करने के बाद फिर आपने चूज किया कि वो बंदा सही है या नहीं। अगर आपको सही लगा तो आपने चूज सही किया, सही नहीं लगा तो उसको है। छोड़ दिया, है ना। यस वो यस हो यस गया जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हाइल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर जनरलाइजिंग द फाइंडिंग्स टू द पॉपुलेशन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कैन स्टिल ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स स्पेशली इन क्वालिटेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसी बात को वापस से बोला गया है, लेकिन ये बात भी बोली गई है
जो सैंपलिंग है, जो जो रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, वो ज्यादा आपको सही चीज देगा, सही इंफॉर्मेशन देगा जब आप चीजों को जनरलाइज करने की बात करेंगे। अगर आपको कोई बात सबके लिए, सबके ऊपर लागू करवानी है, तो उस केस में आपको रैंडमली ही चूज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर कोई चीज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि क्वालिटेटिव, जब आप क्वालिटेटिव चीजें करना चाह रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आप कुछ चूज करेंगे, कुछ क्राइटेरिया आप लगाएंगे, तो ही क्वालिटेटिव हो सकता है ना। और एक्सप्लोरेटरी डेफिनेटली रिसर्च में जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज होता है, हालांकि उसका भी बहुत फायदा है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का यूज होता है, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज मच बेटर। मच बेटर नहीं, हालांकि दोनों ही अच्छा है, बट प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग चीजों को जनरलाइज करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, वे यहाँ यस पे क्या मैं यस कह रहा था, स्टिल ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट स्पेशली इन क्वालिटेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वेयर द गोल इज टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक, बोला गया ना, स्पेसिफिक फिनोमिनन और अ ग्रुप। किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में जब आप इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज जानने की कोशिश करते हैं, जहां पे आप डेफिनेटली उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इन जनरल चीजों को प्रोबेबिलिटी जब हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे हमारा रैंडम जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो यूज हो। ठीक है, तो आई होप कि यस समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आप लोगों के पास है, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में डिफरेंस क्या है और इन सब के मेथड्स। याद रखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, इसको वीवीआई कर लीजिए अगर पीडीएफ निकालते हैं तो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करना ही करना है, चाहे आप भूल जाओ बाकी सारा, ये करना है। ओके सर, तो ठीक है, ओके देन, तो वीडियो आज के लिए इतना ही रखते कर हैं। कल मैं फ्री हूँ, कल हम लोग चाहें तो 9 बजे से क्लास कर सकते हैं, इफ यू गाइज आर फ्री। सर, रात में सुबह नहीं नहीं सुबह में, सुबह में में सर, सुबह में तो कल पॉसिबल नहीं है सर। सर मॉर्निंग मेरा क्लास होता है। मॉर्निंग में क्लास होता है, यस ओके देन मॉर्निंग सर, में रहने देते हैं, फिर लेट्स डू एट शाम में ही करते 8 PM हैं, 6 बजे के बाद, सर। यस सर, इवनिंग में वही 7 बजे 7 बजे के बाद, ओके बाद। जी किशन, सर, किशन 7 बजे के बाद सही रहेगा, यस आई एम ओके सर, ओके 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 ठीक है, तो फिर कल 7 बजे रखते हैं। ठीक है, ओके 7 बजे सही रहेगा ना, थोड़ा और एक्सटेंड कर लें, 7:30 कर लें। साढ़े 7 कर ले, देखो सर क्या दिख रहा है। यस ठीक है 7:30 कर लेते हैं, सर, तब वही तक करो आप फ्री सर। हो जाइएगा कांशा। ठीक है, ओके सर, सर 7 बजे ओके भी देन, फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके देन ठीक है, हो सकता है मैं फिर बिजी हो जाऊं, इट्स ओके। मैं एग्जाम क्लास स्टार्ट करने के पहले ग्रुप में तो बात कर ही लूंगा, आप लोग फ्री रहेंगे अगर 7 बजे तो 7 बजे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वैसे यस सर, सर नहीं तो भी फिर हाँ 8 या 8:30 से, है ना। हाँ, वो हम लोग ग्रुप में बात कर लेंगे, मतलब बढ़ ही 7 बजे के जाएगा। बाद आप लोग फ्री हो, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, आप लोग अगर फ्री रहेंगे तो 7 बजे कर लेंगे, या फिर 7:30 या 8, कुछ भी हो सकता है। कल का दिन मेरा फ्री ही, यस सुबह में भी मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं सर, सुबह के बारे में कह रहा था, बट इट्स फाइन, कोई नहीं, शाम में कर लेंगे। ठीक है देन, ओके 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 गाइस देन, ओके गुड नाइट। ओके सर, ओके ओके सर।